आज हम भारत में स्किल्स और जॉब क्रिएशन पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के कारण एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। देश के किसी हिस्से से एक पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो देश के किसी दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा, और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। हमारे एमएसएमईज इस काम का नेतृत्व करेंगे। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक हैं। इस नई एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से भारत में नई स्किल्स को, नए उद्योगों को बहुत बल मिलेगा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है।